के क्या हाल हैं वो भी हम बता देते हैं, क्योंकि वहां की भी एक सीट पर उपचुनाव होना है। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक सीट मरवाही पर उपचुनाव होना है, यहाँ भी 3 नवंबर को चुनाव होना है। उपचुनाव के लिए 286 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ विप्लव गुप्ता भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। विप्लव, आपसे जानना चाहेंगे सुरक्षा व्यवस्था मरवाही में किस तरीके से तैनात की गई है, और साथ ही इस बार दुगनी चुनौती है प्रशासन के लिए क्योंकि COVID-19 भी है, तो कैसी व्यवस्थाएं पहले से दिख रही हैं विप्लव? ये कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने अपनी व्यवस्था मुस्तैद की है, जिसमें से मतलब मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ में 1000 से ज्यादा वोटर किसी भी मतदान केंद्रों पे नहीं रखा गया है, इसलिए 49 मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं। और सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा है, 1300 से ज्यादा पुलिस और सीआरपीएफ बल को तैनात किया गया है पूरे मतदान केंद्रों पे, जिसमें बाहर के भी पुलिस बलों और सुरक्षा बलों को मतदान केंद्रों पे तैनात किया गया है ताकि सुगमता से मतदान कराया जा सके। वहीं पे कोरोना को ध्यान में रखते हुए मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है जो मतदाता को मतदान केंद्रों में ही प्राप्त होगा, और सिंगल हैंड ग्लव्स भी उनको दिया जाएगा ताकि कोरोना के संक्रमण से बचकर जी। और साथ ही मतलब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि मतदान केंद्र वहां भी बढ़ाए गए हैं कोरोना को देखते हुए, ताकि ठीक तरीके से जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो कायम रखी जा सके। तो ऐसे में देखा जाए कि पिछले बार जब मरवाही में चुनाव हुए थे, मुख्य चुनाव उस वक्त रहे थे, तो उस वक्त जरूरत के हिसाब से केंद्र बनाए गए होंगे, लेकिन इस बार इनकी संख्या कितनी बढ़ाई गई है? इस बार पहले तक जो थे, इससे पहले तक मरवाही चुनाव में 243 मतदान केंद्र होते थे पूरे विधानसभा में, लेकिन इस बार संख्या 43 मतदान केंद्रों की ओर बढ़ाकर 286 कर दी गई है। 43 अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाए गए हैं ताकि जो वोटरों की संख्या है वो संयमित रखी जा सके हर मतदान केंद्र में, और उसके बाद मतदान के बाद 1 घंटे का समय और अतिरिक्त रखा गया है जिसमें कोरोना से जो पीड़ित जो मरीज है वो मतदान कर सकेंगे जी। इसके साथ ही बुजुर्गों को और कोरोना से पीड़ित जो मतदाता यहाँ पे थे उनके 1067 वोट जो है बैलेट पेपर से पहले ही ले लिया गया है। और चलते चलते विप्लव आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि सियासी समीकरण मरवाही में किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं? सियासी समीकरण देखिए, लगातार नए नए समीकरण सामने आ रहे हैं। जिस प्रकार से अजीत जोगी परिवार के मतलब अजीत जोगी के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है और जोगी कांग्रेस के सभी जो भी कैंडिडेट थे उनके नामांकन निरस्त होने के बाद कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला शामिल आ रहा था, लेकिन 2 दिन पहले अमित जोगी जो कि जोगी कांग्रेस के अध्यक्ष है उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन कर दिया था और मरवाही की जनता से उनको वोट करने की अपील की थी, लेकिन कल ही जोगी कांग्रेस के 2 विधायकों ने मंत्री जयसिंह अग्रवाल के साथ में आकर कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की है और अजीत जोगी की विचारधारा को कांग्रेस की विचारधारा बताया गया। अब देखना यह होगा कि जोगी कांग्रेस में 2 फाड़ हो गया है, 2 विधायक अमित जोगी के साथ में है, 2 विधायक अलग है, अमित जोगी भाजपा को समर्थन दे रहे हैं और 2 विधायक कांग्रेस को दे रहे हैं। चूंकि पिछले बार 2018 के चुनाव में जोगी कांग्रेस को 70,000 वोट मिले थे, तो वो वोट जोगी परिवार के किधर शिफ्ट होते हैं? अमित जोगी उन वोटों को भाजपा की तरफ चले जाते हैं और अलग बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। विनोद, एक बार फिर से आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि पहले आप जिक्र कर रहे थे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, पहले अपनी बात पूरी कीजिए फिर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि सियासी समीकरण क्या कहते हैं। बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरा एक होमवर्क कर लिया गया है। कल एसपी ने बैठक ली, आईजी बैठक ले रहे हैं, इसके अलावा जिला प्रशासन के साथ बैठक हुई और आज सुबह से ही बैठकों का सिलसिला चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से ग्वालियर 15 सदर जिसको कहते हैं और ग्वालियर पूर्व यहाँ की जो स्थिति बनी हुई है कि लगातार 3-4 दिन से ऐसे माहौल बन रहा है कि ऐसा ना हो मतदान के दिन किसी तरह की कोई टकराव की स्थिति कांग्रेस और बीजेपी के जो समर्थक है उनके बीच में ना हो जाए, तो ये पूरा सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं भी लोग भीड़ के रूप में खड़े ना हो। मतदान केंद्रों के बाहर जो बीजेपी और कांग्रेस के जो समर्थक है प्रत्याशियों के उनका ज्यादा वहां पर जमावड़ा ना हो, किसी तरह से किसी भी मतदाता को प्रभावित करने की या जोर जबरदस्ती करने की कोशिश ना की जाए, तो इसको लेकर पूरी तरीके से एक चूंकि ग्वालियर जिले में
तीन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव है, लिहाजा पुलिस ने बाहर का फोर्स तो बुलाया ही है। इसके अलावा एसएएफ की बटालियन तैनात की गई है, रिजर्व फोर्स है, बीएसएफ के जवान तैनात किए गए हैं और हर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने बाकायदा तैयारी कर रखी है और रिजर्व फोर्स भी रखा है डीआरपी लाइन में, एसपी ऑफिस में। अगर जरूरत पड़ती है तो रिजर्व फोर्स को भी वहां तैनात किया जा सकता है या भेजा जा सकता है। इसके अलावा डीएसपी स्तर के अधिकारी, एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी, सीएसपी स्तर के अधिकारी उन क्षेत्रों में मॉनिटरिंग करेंगे। कुछ भी उनको अगर अप्रिय हालात नजर आती है, किसी तरह की विवाद की स्थिति नजर आती है तो तत्काल वहां पहुंचकर स्थिति पर नियंत्रण किया जाएगा। तो ये हालत तो सुरक्षा की दृष्टि से है। वही प्रशासन ने भी ये पूरा सुनिश्चित कर रखा है कि किसी तरह मतदान जो दल है अगर उसमें किसी मतदाता की मतदान कर्मी की या जो ड्यूटी पर तैनात है उनकी तबीयत खराब होती है तो तत्काल रिप्लेसमेंट किया जाए, दूसरा मतदान कर्मी वहां पर पहुंचा जाए और वहां पर पहुंचाया जाएगा। तो इस तरह की भी व्यवस्था की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोविड गाइडलाइन जो है 90 गाइडलाइन उसका पालन करने के सख्त हिदायत दी गई है, निर्देश दिए गए। किसी भी तरह से इस गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं किया जाएगा क्योंकि वहां मतदाता जो देखने वाली बात होगी कि आखिर इस गाइडलाइन का कितना पालन मतदान वाले दिन किया जाता है, किया जा सकता है। चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के, विनोद आपका भी और विप्लव आपका भी। और यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।